वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल यस टेक्निक में। यस टेक्निक जो आपको पॉलिटेक्निक के सभी सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड करता है, आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की वीडियो भी प्रोवाइड करता है। तो आपको आपसे मिलकर अच्छा लगा। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोज को शेयर जरूर करा करिए। आज की वीडियो को भी शेयर करना, कमेंट करा करिए अपने डाउट को, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़कर आपके डाउट को क्लियर कर सकें। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक भी करिए, ताकि हम लोग मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकें। तो आज की हमारी वीडियो किसके ऊपर है? आज की वीडियो हमारी है इंडक्शन मोटर में जो छोटे मोटे टॉपिक होते हैं, जैसे कि आपकी मैग्नेटिक लॉकिंग हो गई, क्लॉगिंग हो गई, ट्रॉलिंग हो गई। तो ये सब टॉपिक छोटे मोटे हम क्या देखेंगे, आज की वीडियो में देखेंगे। तो इंडक्शन मोटर के जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, वो आज की वीडियो में हमें देखने हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है बच्चों? तो हम मतलब इंडक्शन मोटर में कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट होते हैं और पॉलिटेक्निक वालों के सिलेबस में भी है। इन सारे टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे और आपको एक एक चीज समझ में आएगी, लेकिन आप वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड तक, ठीक है बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये टॉपिक होता है हमारा मैग्नेटिक लॉकिंग। मैग्नेटिक लॉकिंग देखो ना बच्चों, मैग्नेटिक लॉकिंग। तो बच्चा, आपने नाम से देखा होगा कि मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट से कुछ ना कुछ मतलब मैग्नेट यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रयोग होगा, और लॉकिंग मतलब आपको पता है लॉकिंग का मतलब क्या होता है, रुक जाना या बंद हो जाना। तो लॉक का मतलब बंद करना और मैग्नेटिक मतलब एक प्रकार से मैग्नेट से किसी प्रकार कोई क्रिया होने वाली है बंद होने की। तो अब देखिए क्या होता है बच्चों, हमने एक इंडक्शन मोटर पढ़ी है, उसमें क्या होता था, ये हमारा क्या होता था, स्टेटर होता था। स्टेटर में, स्टेटर कोर के अंदर वाले पार्ट में क्या होती थी, स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है भैया? ड्राइंग कर लेते हैं बच्चों, चलिए ड्राइंग कर लीजिए। बना ली हमने स्टेटर कोर और उसमें स्टेटर वाइंडिंग डाल दी, ठीक है बच्चों? अब हम रोटर बना लेते हैं, ये भी हमने रोटर बना लिया, रोटर पर भी क्या कर दिया हमने, रोटर वाइंडिंग डाल दी, ठीक है बच्चों? और ये हमारी रोटर किस पे लगा हुआ है, शाफ्ट पर, ठीक है बच्चों? अब क्या है आपका, ये आपका स्टेटर हो गया, ये आपका रोटर हो गया, और इसमें हम कौन सी थ्री फेज, स्टेटर में कौन सी सप्लाई दे रहे हैं, थ्री फेज एसी सप्लाई, मतलब ये थ्री फेज एसी सप्लाई दे रहे हैं, किसमें, आपकी स्टेटर वाइंडिंग में, ठीक है बच्चों? यहां तक बात क्लियर चल रही है? तो हम थ्री फेज एसी सप्लाई जब स्टेटर वाइंडिंग, जो कि आपकी ये क्या है, ये आपकी स्टेटर वाइंडिंग है। तो स्टेटर वाइंडिंग में क्या करते हैं, हम जब थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं, तो बच्चों हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, हमारी स्टेटर वाइंडिंग क्या करती है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसी, हमने एनिमेशन से भी समझा था, क्योंकि उसके पोल्स क्या कर रहे थे, रोटेट हो रहे थे। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। तो बच्चों क्या होता है, हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसा मैग्नेटिक लॉकिंग वाला दोष होता है। मतलब क्या दोष होता है, ये देखते हैं। ये जैसे कि हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाई, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का माने कि स्टेटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, मान लीजिए उस पर यहाँ पर एन पोल है, ठीक है? ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एयर गैप से पास होते हुए क्या हुई, आपके आर्मेचर कंडक्टर्स के द्वारा कट हो गई, हुई कट। अब आर्मेचर कंडक्टर्स के द्वारा कट हो गई, तो बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर भी एक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया तो इसमें भी एक करंट फ्लो हो जाने लगी, किसमें, रोटर वाइंडिंग में। अब रोटर वाइंडिंग में भी करंट फ्लो हुई तो ये भी तो एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। अब जब रोटर ने भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बना ली, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी तो होती नहीं है कि उसमें कोई पोल्स ना हो मैग्नेट के, समझिए मेरी बात को, कि हमारा क्या हुआ, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर स्टेटर पर बनी हुई थी, एक हमने रोटर ने बना ली, तो क्या हुआ, दो मैग्नेटिक फील्ड बन गई, एक स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक रोटर की मैग्नेटिक फील्ड। तो अब बच्चों मान लीजिए कि स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर एन पोल है और यहाँ पर हमारा क्या है, रोटर का एस पोल बन जाता है। अब क्या पता बच्चों, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे में अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे।
अब बच्चों क्या होगा जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये इससे जाके चिपक नहीं जाएगा, ये इससे जाके चिपक नहीं जाएगा बच्चों, चिपक जाएगा। जैसे कि हमारा रोटर का पोल एस बना हुआ है ये वाला, और ये हमारा एन पोल है, और जैसे ही क्या हुआ ये दोनों पास में आए, दोनों के बीच अट्रैक्शन हुआ, तो ये जाके ऐसे चिपक नहीं जाएगा हमारा। जब हमारा रोटर स्टेटर से जाके चिपक जाएगा तो इसी घटना को हम क्या बोलेंगे, इस घटना को बोलेंगे हम मैग्नेटिक लॉकिंग। और मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी मतलब हमारा रोटर स्टेटर से जा चिपक जाएगा, तो क्या हमारा अब रोटर रोटेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मैग्नेटिक लॉकिंग अच्छी हुई कि बुरी हुई, मतलब मैग्नेटिक लॉकिंग एक प्रकार से प्रॉब्लम है हमारी इंडक्शन मोटर की वर्किंग में। तो मैग्नेटिक लॉकिंग अगर प्रॉब्लम है तो इसको दूर भी तो करना चाहिए, तो वो दूर करने का उपाय भी हम देखेंगे। तो बच्चों क्या है हमारी मैग्नेटिक लॉकिंग, हमने क्या समझी कि स्टेटर में जो सप्लाई देने पर क्या बनती है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, किसमें, स्टेटर वाइंडिंग के द्वारा। इसके बाद रोटर वाइंडिंग जब ये ईएमएफ कट करता है रोटेटिंग मैग्नेटिक, वो फ्लक्स कटता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, तो क्या होता है इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है जिसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जब क्या होता है हमारे रोटर पर, रोटर कंडक्टर में जो पोल बन रहा है ये मान लीजिए एस है, और स्टेटर पर इसके पास वाला पोल कंडक्टर में पास वाला पोल एन है, तो दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा बच्चों, रोटर स्टेटर पर जाके चिपक जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से अब हमारा रोटर रोटेट नहीं हो पाएगा। तो ये एक प्रकार से प्रॉब्लम हो गई ना। तो एक प्रकार सिंपल बोले तो हमारा मतलब स्टेटर में और रोटर में पोल्स के समान, मैग्नेटिक पोल्स के समान, मतलब मैग्नेटिक पोल्स के अपोजिट बनने पर पास वाले पोल्स के, तो क्या होता है दोनों के बीच एक मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से रोटर घूम नहीं पाता है। चलिए ठीक है बच्चों, अब दूर करने का उपाय क्या है। अब बच्चों देखिए क्या होता है, ये जैसे कि आपका समझ लीजिए जस्ट ऊपर स्टेटर कंडक्टर है, ये जस्ट नीचे रोटर कंडक्टर है, अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल बने, जैसे कि ये स्लॉट है, ये स्टेटर स्लॉट बने हुए हैं बच्चों, ऐसे समझिएगा ये जैसे कि आपका क्या है, स्टेटर स्लॉट है, स्टेटर स्लॉट में ये क्या डले है आपका, स्टेटर कंडक्टर डला है। ये मान लीजिए बच्चों आपका रोटर स्लॉट में डला हुआ रोटर कंडक्टर है, जब ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, रोटर कंडक्टर है किसमें डला है, रोटर स्लॉट में बच्चों, जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो क्या होगा, जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे बच्चों तो क्या होगा, तभी तो मैग्नेटिक लॉकिंग होगी जब, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है, ये एन बन गया ये एस बन गया, तो दोनों चिपक गए। अब क्या बच्चों हम क्या कर सकते हैं, अगर ये पैरेलल है यही इसी की वजह से तो समस्या हो रही है, तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको इसके पैरेलल ना कर, मैं कैसे कर देता हूं, इसके इसके पैरेलल ना कर मैं इसको कुछ तिरछा बना लेता हूं, जैसे कि ये हमारा रोटर था, ये जो हमारे स्टेटर रोटर स्लॉट्स थे इनको मैं स्टेटर स्लॉट्स के पैरेलल ना बनाकर, देखिए बच्चों कुछ तिरछा बना रहा हूँ, अब तिरछा बना रहा हूं, तो बच्चों जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे तो क्या इन इनमें मैग्नेटिक लॉकिंग होगी, स्टेटर स्लॉट्स, वो स्टेटर कंडक्टर्स और रोटर कंडक्टर्स में, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि अब ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, अब ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है और हमने इनको तिरछा कर दिया है, तो इस घटना को क्या कहते हैं। देखो रोटर स्लॉट्स मैग्नेटिक लॉकिंग को रोकने के लिए रोटर स्लॉट्स को स्टेटर स्लॉट्स के पैरेलल न बनाकर कुछ तिरछा बनाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं स्क्यूइंग, स्क्यूइंग बच्चों क्या बोलते हैं, स्क्यूइंग, 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 स्क्यूइंग क्या बोलते हैं, तिरछा बनाना। स्क्यू का मतलब होता है तिरछा, मतलब स्क्यूइंग मतलब तिरछा बनाना। तो आपने क्या समझा कि मैग्नेटिक लॉकिंग हो रही थी जो हमारे स्टेटर और रोटर के बीच, उसको दूर करने के लिए हमने क्या किया, जो रोटर में हमारे जो स्लॉट्स बने हुए थे, तो रोटर में स्लॉट्स को हमने स्टेटर स्लॉट्स के पैरेलल ना बनाकर कुछ तिरछा बना दिया, जिसको हमने क्या बोला, जो मैग्नेटिक लॉकिंग, वो जिसको हमने बोला स्क्यूइंग, तो इस घटना को हमने स्क्यूइंग बोला। स्क्यूइंग की वजह से हमारी जो मैग्नेटिक लॉकिंग थी बच्चों वो रुक जा रही थी। ठीक है बच्चों, अब स्क्यूइंग भी हमने पढ़ लिया बच्चों, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो टॉपिक हमारा क्या है, तो बच्चों इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा कॉगिंग।
कॉगिंग। कुछ नया सा वर्ड लग रहा है बच्चों, चलो लेकिन नया नहीं रहने देंगे इसको, इसके बारे में भी पूरा जान ही लेंगे हम। तो क्या है बच्चों ये हमारा कॉगिंग? तो कॉगिंग क्या होती है सबसे पहले देखते हैं। जब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, मैग्नेटिक लॉकिंग। मैग्नेटिक लॉकिंग में हम क्या पढ़ रहे थे, जो हमारा स्टेटर है, रोटर है, स्टेटर से जाके चिपक जाता है किसके, अगर स्लॉट्स पैरेलल, रोटर स्लॉट्स पैरेलल है स्टेटर स्लॉट्स के, तो दोनों के चिपक जाने से अब क्या रोटर घूम पा रहा है इस स्थिति में, मैग्नेटिक लॉक की स्थिति में नहीं घूम पा रहा ना। तो इस स्थिति को, मतलब इस कार्य को, इस घटना को हम क्या बोलेंगे, कॉगिंग। कॉगिंग को हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक लॉकिंग के कारण कारण रोटर का रोटेशन ना कर पाना। तो बच्चों आपको समझ में आई होगी बात कि मैग्नेटिक लॉकिंग और कॉगिंग दोनों अलग अलग बातें हैं, इनको बच्चों एक ही चीज मत सोचना। मैग्नेटिक लॉकिंग क्या थी, रोटर और स्लॉट्स का, रोटर और स्टेटर का चिपक जाना, और ये क्या है, मैग्नेटिक लॉकिंग की वजह से रोटर का ना घूम पाना, मतलब रोटेशन ना कर पाना। तो एक प्रकार से रोटर जब स्टेटर से चिपक जाता है तो उसे मैग्नेटिक लॉकिंग कहते हैं, और इस कंडीशन में जब रोटर घूम नहीं पाता है तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, कॉगिंग। ठीक है बच्चों, तो कॉगिंग समझ में आ गई होगी कि कॉगिंग क्या होती है। इसके बाद अगला टॉपिक जो है बच्चों हमारा वो है क्रॉलिंग। तो क्रॉलिंग कुछ नया सा वर्ड लग रहा है बच्चों, पर ऐसे भी नया नहीं रहने देंगे हम, किसी को नया रहने ही नहीं देते भैया, पुराना कर देते हैं सबको। उनके बारे में इतना जान लेते हैं कि वो हमें रात में भी दिखाई दे तो हम उनको नमस्ते करके निकल लेंगे। तो क्या होगा हमारा क्रॉलिंग, तो क्रॉलिंग क्या होता है भैया, क्रॉलिंग, क्रॉलिंग का मतलब आप समझते हैं, क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना। जैसे कि आपका सांप क्या करता है, क्रॉलिंग करता है, आपको जैसे घूंगा क्या करता है, क्रॉलिंग करता है, मतलब रेंगना, मतलब बहुत धीमा चलना है। तो इतनी बात हम समझ गए कि कुछ ना कुछ धीमे चलने वाली बात है यहाँ पर। तो क्रॉलिंग बच्चों हम समझ लेते हैं क्या होती है। जैसे कि हमारा इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर है, इसमें जी हमारा रोटर क्या करता है, रोटेशन करता है। इंडक्शन मोटर में हमारा रोटर क्या करता है, रोटेशन करता है। ठीक है, अब जो हमारा रोटर है, ये रोटर जैसे कि हम इसको रोटर बोल रहे हैं, ये स्टेटर है हमारा। तो बच्चों एक चीज देखिए, क्या रोटर जिस स्पीड से रोटेट हो रहा है इसकी एक रेटेड स्पीड नहीं होगी, मतलब एक इसकी फिक्स स्पीड तो होगी कि 1 मिनट में इतने रोटेशन कर लेता है या फिर 1 सेकंड में इतना रोटेशन कर लेता है, तो इसकी एक फिक्स स्पीड होगी, रोटेटेड स्पीड बोलेंगे जिसको हम। अगर उस पर अगर ये रोटेट हो रहा है रोटर, तो बच्चों ये तो फिर नॉर्मल कंडीशन हो गई इसकी, समझ लिया बच्चों। मतलब नॉर्मल कंडीशन में क्या करेगा, रोटर अपनी रेटेड स्पीड पर रोटेट होगा। लेकिन समझ लीजिए बच्चों, किसी कारण से अगर रोटर अपनी रेटेड स्पीड से रोटेट ना होकर क्या हो, रेटेड स्पीड से बहुत कम स्पीड पर रोटेट हो। मान लीजिए इसकी कितनी, करीब 2800 आरपीएम स्पीड थी किसकी, आपकी रोटर की, आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट, आरपीएम स्पीड थी 2800 आरपीएम। अभी ये 2800 आरपीएम से रोटेट ना होकर मान लीजिए आपका 1000 RPM से रोटेट हो रहा है, तो समझिए कहाँ रेटेड स्पीड आपकी 2800 RPM थी, कहाँ अभी 1000 RPM से रोटेट हो रहा है, स्पीड समझिए कितनी कम हो गई है। मतलब एक प्रकार से हम क्या बोलेंगे कि रोटर तो भैया रेंग रहा है, घूम थोड़ी रहा है, ये तो रेंग रहा है। तो इसी घटना को हमने क्या बोल दिया, क्रॉलिंग। मतलब अगर सिंपल में इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो किसी कारण से रोटर का अपनी रेटेड स्पीड से ना चल पाना और बहुत कम स्पीड से घूमना, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, क्रॉलिंग। तो बच्चों हमने क्रॉलिंग देखी, अब क्रॉलिंग का कारण क्या हो सकता है, अगर कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो समस्या का कुछ कारण तो होगा बना बच्चों। तो समस्या का कारण देखो भैया एक हो सकता है, एक तो आपका हो सकता है सप्लाई वोल्टेज। अब सप्लाई वोल्टेज देखिए बच्चों, हमारा जो रोटर है ये रोटेट होता है, इसमें सप्लाई वोल्टेज का भी तो रोल होता है बच्चों, बिल्कुल होता है। अब देखिए सप्लाई वोल्टेज का रोल तो होता है, पर ये सप्लाई वोल्टेज भी अगर पूरा मिले तभी तो ये हमारी रोटर है जो फुल स्पीड से रोटेट होगा। अगर मान लीजिए ये सप्लाई वोल्टेज ही हमारा क्या हो, कम, मतलब हमारा जो मोटर है इसको हम कम सप्लाई वोल्टेज देते हैं स्टेटर में, तो हमारा क्या होती है,
तो कम मैग्नेट, जो हमारा रोटर होता है वो कम स्पीड से रोटेट होता है, इस वजह से ये क्रॉलिंग होती है। ठीक है भैया, तो एक कारण तो हमने क्या देख लिया, कम सप्लाई वोल्टेज। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगला कारण क्या हो सकता है? तो भैया कम सप्लाई वोल्टेज है तो एक कारण तो देखो बच्चों ये भी हो सकता है कि आप जो सप्लाई दे रहे हैं वो प्योर हो रही है, प्योर ना हो एसी सप्लाई, मतलब इम्प्योर एसी सप्लाई मिल रही हो। आप बच्चों एक प्रकार से सोचिए, आप खाना खाते हैं आपको उससे एनर्जी मिलती है तब आप काम कर पाते हैं। अगर सोचिए आपका फूड ऐसा हो जिसमें एनर्जी ही ना हो तो क्या आपको काम करने के लिए एनर्जी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो ऐसा ही हमारा रोटर के साथ भी है, जब हमें मोटर में इनपुट सही नहीं मिल रही, मतलब एसी सप्लाई जो हमें देनी चाहिए वो प्योर नहीं है, तो हमारा जो रोटर है तब भी वो अपनी रेटेड स्पीड से रोटेट नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा क्या एक कारण हो जाएगा, इम्प्योर एसी सप्लाई। और इम्प्योर एसी सप्लाई का मतलब क्या होता है, एसी में एक हार्मोनिक्स नाम की एक वर्ड होता है, आपने पहले पढ़ा होगा, मतलब कुछ एसी सप्लाई की जैसे कि वेव कौन सी होती है, साइनोसोइडियल वेव होती है, ये कैसा पॉजिटिव वेव, पॉजिटिव साइकिल, ये हाफ नेगेटिव हाफ साइकिल, तो ये साइनोसोइडियल वेव होती है। ठीक है बच्चों, एसी सप्लाई की सब जानते हैं, सिंगल फेज एसी सप्लाई की। तो एक बात आइए, इसी में बच्चों अगर कुछ इम्प्योर एसी सप्लाई, इम्प्योर मतलब फैक्टर्स मिल जाए जिसकी वजह से क्या हो, इसकी वेव बिगड़ जाए, ये ऐसी ना रहकर ऐसी हो जाए, तो इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इम्प्योर एसी सप्लाई। और जिस कारण से ये बिगड़ रही है वो अशुद्धियों को हम बोले, मतलब इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिक। तो एसी सप्लाई में हार्मोनिक के मिले होने की वजह से भी हमारा जो रोटर होता है अपनी रेटेड स्पीड से रोटेट नहीं हो पाता है। तो बच्चों आज की टॉपिक में, आज की वीडियो में हमने क्या क्या टॉपिक देखे, तो आज की वीडियो में हमने ये टॉपिक देखे। सबसे पहले तो हमने क्या देखे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने थे, तो सबसे पहले हमने देखी मैग्नेटिक लॉकिंग। तो मैग्नेटिक लॉकिंग बच्चों हमने क्या देखी, जब हमारे रोटर स्लॉट्स अगर स्टेटर स्लॉट्स के पैरेलल बना दिए जाते हैं तो हमारे जो रोटर स्टेटर, स्टेटर में और रोटर में क्या हो जाती थी, एक मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती, मतलब रोटर स्टेटर से जाके चिपक जाता था, इसको हम क्या बोल रहे थे, मैग्नेटिक लॉकिंग। ठीक है बच्चों, अब मैग्नेटिक लॉकिंग पढ़ने के बाद हमने क्या देखा था, अब मैग्नेटिक लॉकिंग अगर हमें प्रॉब्लम हो रही तो इस प्रॉब्लम को हम दूर तो करेंगे ना, उस दूर करने के उपाय को हमने देखा स्क्रूइंग के रूप में। हम क्या देख रहे थे, जब हमारा रोटर जो स्लॉट थे पैरेलल थे स्टेटर स्लॉट्स के, तभी तो मैग्नेटिक लॉकिंग हो रही थी, तो हमने इसी समस्या को ही दूर कर दिया, रोटर स्लॉट्स को पैरेलल ना बनाकर स्टेटर स्लॉट से कुछ तिरछा बना दिया, मतलब इनकी स्क्रूइंग कर दी, स्क्रू करना का मतलब होता है तिरछा करना, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, स्क्रूइंग, इससे हमारी मैग्नेटिक लॉकिंग रुक गई। ठीक है बच्चों, अब कॉगिंग हमने क्या देखा था कि जैसे कि हम मैग्नेटिक लॉकिंग हो रही है तो मैग्नेटिक लॉकिंग की वजह से क्या हो रहा, हमारा रोटर जो चिपक जा रहा था स्टेटर पे, तो अब क्या इस कंडीशन में रोटर हमारा रोटेट हो पाएगा, तो कहेंगे बच्चों आप नहीं, तो रोटर रोटेट नहीं हो पा रहा है, तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे, कॉगिंग, मतलब मैग्नेटिक लॉकिंग के कारण रोटर का रोटेट ना हो पाना कॉगिंग कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्रॉलिंग, क्रॉलिंग हमने क्या देखा बच्चों, क्रॉलिंग मतलब अपना रोटर है इसकी एक रेटेड स्पीड होती है, अब रोटर अपनी रेटेड स्पीड से ना रोटेट होकर बहुत धीमी स्पीड से रोटेट हो, मतलब रेंगने लगे, तो इसको हम क्या बोले, क्रॉलिंग, बहुत कम स्पीड से रोटेट हो रहा है मतलब, तो इसको हम क्रॉलिंग बोलेंगे। अब क्रॉलिंग की हमने बच्चों क्या देखा कि क्रॉलिंग किस वजह से उत्पन्न होती है, जैसे कि आप सप्लाई वोल्टेज जो मोटर को दे रहे हैं वो आपका रेटेड ना होकर कम हो कुछ। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमारी जो एसी सप्लाई जो इनपुट हम दे रहे हैं मोटर में, वो भी हमारी एसी सप्लाई इम्प्योर हो, अगर इम्प्योर है तो बच्चों देखिए जैसे कि साइनोसोइडियल वेव होती है, लेकिन साइनोसोइडियल वेव ना बनकर कुछ खराब वेव हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी रोटर रेटेड स्पीड पर रोटेट नहीं हो पाता, और एसी सप्लाई में जो मिक्स होने वाली इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक। बच्चों इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है आपको आज के टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे, छोटे टॉपिक्स थे पर एक मज़ेदार टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इसलिए हमने इनको एक अलग वीडियो बनाकर आपको समझाया है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो अब आप क्या करेंगे, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए अपने डाउट्स को, और चैनल को तो सब्सक्राइब भैया कर ही लीजिए। तो मुलाकात होगी आपके आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।